यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हमारी अलग अलग गतियों पर 40, 60, 80, 100, 120, 160, 140 इस तरह की गतियों तक डिक्टेशन रहती हैं। आप किसी भी समय पर आप हमारे चैनल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर जो www.stenoforall.com है, उस पर जाकर आप हमारी ऑडियो को जो सुन रहे हैं उसका टंकण कर रहे हैं सॉफ्टवेयर द्वारा तुरंत प्राप्त कर सकते हैं प्रोविजनली तौर पर। साथ ही उसके बाद में हमारी टीम, जो हमारी एक्सपर्ट की टीम है, आपकी कॉपी का 100% मूल्यांकन करने के बाद आपको रिजल्ट उपलब्ध कराती है। सभी लिखने के लिए तैयार रहिए। 80 और 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए हमारा डिक्टेशन होता है, सभी जानते हैं। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर होती है, उसके बाद में हल्का सा पॉज देने के बाद में मैं दूसरी डिक्टेशन शुरू करता हूँ, जिसमें आधी डिक्टेशन हमारी 80 पर रहती है, आधी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहती है। तो सभी तैयार हो जाइए, रेडी। श्रीमान, रेलवे में सुधार करने की बात को तो मैं समझता हूँ, लेकिन सदन में छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों की निंदा और उनकी शिकायत करना कहाँ तक ठीक है? अभी एक माननीय सदस्य ने कई बिना टिकट चलने वाले लोगों की व्याख्या की। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि जब हम ट्रेन में चलते हैं और इस तरह की कोई बात होती है, तो हम सब लोगों को उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह की जब भी कोई कार्यवाही होती है, उसको रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। जब सरकार किसी बुराई को दूर करना चाहती है, तो उसमें कुछ अच्छे लोगों को भी तकलीफ हो जाती है। इसका निदान ढूंढने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो छोटे छोटे सुझाव इस विषय में रखना चाहता हूँ। यह सभी लोग मानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ी राजकीय संपत्ति है। इसमें अगर किसी तरह का नुकसान होता है, तो सभी लोगों को चाहिए, चाहे वे किसी भी दल विशेष से संबंधित हों, उनकी रक्षा करें। अगर इसमें किसी तरह का कोई घाटा हो, तो उसको रोकने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि रेलवे मंत्री जी की तरफ से यह जो बिल सदन के सामने आया है, कानून बनाने के लिए वह उसी बात को ध्यान में रखते हुए आया है। लेकिन मैं अभी बैठे बैठे दो चार माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। मुझे कभी कभी दुख इस बात का होता है कि
हमारे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि यह रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। रेलवे एक ऐसी संस्था है जो देश की बहुत बड़ी सेवा कर रही है, सिर्फ पैसेंजरों को इधर उधर ले जाने में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि देश की राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में उसका बहुत बड़ा भाग रहता है। अगर कोई बड़ा मौका होता तो दूसरी बात थी, लेकिन जब भी कोई मामूली बात होती है, जैसा कि इस वक्त सिर्फ यह सवाल है कि रेलवे में जो बिना टिकट चलते हैं उसको कैसे रोका जाए, इस दिशा में इस बिल के द्वारा कोशिश की जा रही है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबल को भारत के गांव-गांव, यहां तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचा दिया। बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरित मानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषा में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव का विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णता इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए सभ्यता
उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। श्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषाओं को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जन संचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा ना जानते हों किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है। जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। ये हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया। सभी आप चाहें तो आकर गूगल मीट के माध्यम से लिंक शेयर कर दिया जाता है, आपको जुड़ सकते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ हम स्टैंड